राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। उन्हीं के प्रिय शिष्य श्री सुंदर राजी यतिराज जी महाराज की जय। आइए भगवान का ध्यान किया जाए, उसके बाद जैसी भगवान की इच्छा। ओम सूर्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले श्यामल को मलांगम सीता समारोपितवान भागम पाड़ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथ। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार हरि नाम। जय राम लला जय जनक लली। Bye.
सेनापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय। बोलिए देवी माई की जय। आज सरस्वती पूजा है और 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। और सरस्वती मैया की जय। सुंदर आज स्वामी जी महाराज की जय। जयकारा जरूरी है, जो जय बोलता है तो उसके जीवन में जय जय हो जाता है। जय बोलने से हमारी जीत होती है और ताली भी जरूरी है। कहा गया है राम कथा सुंदर करता है, क्यों? क्योंकि संशय बिहग उड़ावन हारी। जैसे छत पे कौवा बैठ जाए, वृक्ष पर पंछी बैठा हुआ है, उड़ाने का मन करता ताली बजाते हैं तो उड़ जाता है, उसी तरह राम कथा ताली है संशय रूपी चिड़ई को मन से भगाने के लिए। लेकिन इसी संशय पर कथा चल रही है हमारी 4 दिन से। सती मैया के मन के संशय नहीं भगा। क्यों नहीं भगा? कथा सुनी नहीं। शंकर भगवान आनंद में है, कहा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। तो आनंद में आ गए, अपने इष्ट को प्रणाम कर गए। अब वही इष्ट सती मैया ने देखा तो संशय शुरू हो गया। सती सु दशा शंभु कै देखी अपुर उपजा संदेह विशेषी। वही संशय, क्योंकि कथा नहीं सुनने पर संशय तो ग्रसित कर ही लेगा महाराज। उत्तरकांड में गरुड़ जी काग सुंडी जी से कहते हैं कि संशय सर्प ग्रस लिया है मुझको। गरुड़ जी कहते हैं, बताइए सांप कि शत्रु है गरुड़ जी, सांप उनका आहार है, गरुड़ सांप को खा जाएगा। तो गरुड़ भगवान के वाहन सांप को खा सकते हैं, लेकिन संशय रूपी सर्प को नहीं खा सकते हैं। उसको कौन खाएगा? तो भगवान की कथा। क्योंकि उनको संशय हुआ, नाग पास में राम जी लक्ष्मण जी बंधे थे रावण के द्वारा, तो आकर के उछलाए, संशय हो गया कि भगवान है या हम मामूली पक्षी हैं, हम बचा रहे हैं। संशय कैसे भगवान है? तो वही संशय, संशय सर्प है महाराज। तो कहा गया संशय सर्प है कि कहां रहता है? तक कहा गया कि सांप कहां रहता है? सांप बिल में रहता है, सर्प कहां रहेगा? अपने नहीं घर बनाता है, सांप जो है अपने घर नहीं बनाता है। 2-3 वो जीव जंतु है, सांप है, कोयल है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौआ के घोंसला में कौआ घोंसला नहीं बनाता, वो कोयल के घोंसला में रख देता है अपने बच्चे को। तो कहने का अर्थ है सांप कहां रहता है? बिल में। तो कहां रहेगा संशय सर्प? तो कहा गया जो भगवान के कथा को नहीं सुनते हैं तो श्रवण रंध्र अहि भवन समान, उनका कान सांप का बिल के समान है। जो भगवान के कथा नहीं सुन रहा है उनका कान हृदय सांप के घर का समान है, और वो सांप क्या है? संशय ग्रहण हो जाएगा। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समान, बिल में रहता है सांप,
टीवी संशय रूपी सर्प मनुष्य के कान के द्वारा जाके हृदय में बैठ जाता है। आध्यात्मिक बातें है महाराज, रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी इतने बड़े पहुंचे हुए मुनि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, इन्होंने लिखा कि नाना पुराण अनेकों पुराण से मैंने लिया है, अपना विचार नहीं है कहीं भी। गोस्वामी जी ने कह दिया है पहले ही कि मेरा अपना विचार रची महेश निज मानस राखा पाई उस समय सिवासन भाग। मैंने वही लिखा है जो शंकर जी ने पार्वती से कहा है। इसकी पुष्टि कब हुआ? काशी विश्वनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस को रखा गया। कहा उन्होंने भगवान के विचार से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के संकेत से मैंने लिखा है, मर्जी से। सब ब्राह्मण इनकी निंदा कर रहे थे। सत्य के तीन चरण होते हैं, पहले उपहास होता है, उसके बाद उसका विरोध होता है, और फिर उसको सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। जब कसौटी पर सोना डाला जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, तो सोना सोना ही निकलता है। तो गोस्वामी जी का पुस्तक रखा गया मंदिर में सबसे नीचे, ऊपर अन्य ग्रंथ अन्य पुस्तक, ताला मार दिया गया, चार गो पांच गो, अब पांचों के चाबी पांचों आदमी, एक गो एक ताला की इनके पास, एक ताला उनके पास, एक ताला का इनके पास, एक ताला का चाबी हरमुनिया वादक के पास, एक तबला वादक के पास, एक बैंजू वादक के पास, एक पैड वादक के पास, जैसे पांच सात, और सब अपने अपने घर चले गए। पांचों का चाबी है तब न खुलेगा। सुबह आकर के लोग खोले तो वह पुस्तक सबसे ऊपर थी, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। और उस पुस्तक के ऊपर जैसे खोला गया, लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदर। ये प्रमाणित भगवान शंकर ने सिग्नेचर कर दिया। तो परम संत उन्होंने कहा कि मैं अपना विचार नहीं लिख रहा हूं। क्या कहा? नाना पुराण निगम, वेद आगम से भी कुछ लिया गया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम, जो वाल्मीकि जी रामायण में लिखे उसको भी मैंने लिखा। यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि, कुछ यत्र तत्र से भी लिया है मैंने। मैंने किसी को छोड़ा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं किया। क्वचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय, और अंत में कह दिया अगर किसी को अच्छा भी न लगे तो सोच लेना गोस्वामी जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखा है। और देखिए संतन की बात अटपटी झटपट लखाए ना कोई, आ जो झटपट लखाए तो चटपट दर्शन हो। अब उन्होंने कहा स्वांत सुखाय, आ संत के सुख कब होता है? जब जनता सुखी हो जाए। संत का अपना सुख दुख क्या है? वो अपने पत्नी के पुत्र के लिए थोड़े जी रहा है। वह तो वसुधैव तु कुटुंबकम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वह जननी के लिए जीता है, जन्मभूमि के लिए जीता है, पूरे राम का जन्मभूमि क्षेत्र पूरा आर्यावर्त के लिए जीता है महाराज। और वसुधैव तु कुटुंबकम का नारा लगाता है संत, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारत के संत नारा लगाते हैं। अमेरिका के लोगों ने कहा हमारा अमेरिका आबाद रहे, विकास हो। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा हमारा ऑस्ट्रेलिया विकास हो। वहीं एक संत खड़ा हुआ, कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, संसार सुखी रहे महाराज। तो संत कब सुखी होता है? जब
सब सुखी हो जाए। वाह। तो देखिए हमारे बीच में पूज्य मानस मर्मज्ञ मारुति किंकर जी महाराज आ चुके हैं कथा सुनने के लिए। तो संत कब दुखी होता है? जो संसार दुखी हो जाए। वह परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वह इसलिए जीता है। स्वांतः सुख उसका कब होगा? जब संसार सुखमय रहेगा। गोस्वामी जी ने अपने लिए कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं अपने लिए कहा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। और इतना जब लिखा तो क्या लिखा? संत क्या है, संत क्या है? और शंकर जी सब बात जानते हैं। सुनकर के लौट के राम जी का दर्शन किए, उनको संशय नहीं करता महाराज। अति हर्ष विशेषा, जब उन्होंने राम जी को देखा तो उनके मन में हर्ष हो गया था। और यहाँ संदेह विशेषी, सती सुदशा शंभु के देखी उर उपजा। संदेह विशेषी, कथा नहीं सुनने से राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अगर कथा नहीं सुनी तो संशय ने ग्रहण कर लिया, और जब एक बार अंकुर संशय का उपजा तो बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और उन्होंने कहा कि ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे जय सच्चिदानंद जग पावन। यह सत्य रूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आई पत्नी के विरह में वृक्ष से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी को कहीं देखा? और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं महाराज। सती माता ने क्वेश्चन किया, शंकर भगवान समझाए, बार बार समझाए, लेकिन यहां संदेह ग्रहण हो गया है, नहीं समझी। शंकर भगवान ने बीच का रास्ता निकाला। संत हमेशा बीच का रास्ता निकालते हैं महाराज, पक्षपात नहीं करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपकी संतुष्टि जिस भाव से आए वह कार्य कीजिए, जा करके आप स्वयं टेस्ट लीजिए।